प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र वर्धा में पीएम विश्वकर्मा योजना रो एक बरस पूरा हो बारा उपलक्ष्य में राखे जा रही राष्ट्रीय कार्यक्रम में हो रहा शामिल। लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम राजस्थान समेत दूजा राज्य में भी करियो जा रही है आयोजित। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े बांसवाड़ा रा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में कौटल्य शोध भवन और स्वामी विवेकानंद छात्र कल्याण भवन रो करियो शिलान्यास। 5 दिन रा राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव रो भी करेला उद्घाटन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा चित्तौड़गढ़ रा नर्बदिया में एक पेड़ माँ के नाम अभियान रीते वृक्षारोपण कार्यक्रम ने कर संबोधित किया। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण खातर है कर संकल्पित। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर मीट समिट 2024 रीते कतर री राजधानी दोहा में इन्वेस्टर रोड शो रो करियो गयो आयोजन। निवेशका ने राजस्थान में उद्योग लगाबा खातर करिया आमंत्रित। अर प्रदेश में आई हुई बारिश रे पाछे कई जिला में रात-रात तापमान में आई गिरावट। हल्की ठंडक रो ओबा लाग्यो एहसास। आज जयपुर और कोटा समेत दूजा जिला में बारिश री संभावना। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले हर खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र रा वर्धा माए पीएम विश्वकर्मा योजना रो एक बरस पूरा होबा माथे आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम माए शामिल हो रिया है। इन मौके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सु जुड़ी प्रदर्शनी रो अवलोकन करया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्मारक डाक टिकट जारी करिया। वटे ही आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजना और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना री भी शुरुआत करिया। आइए चलते हैं सीधा महाराष्ट्र से लाइव। शेखरप्पा खमर आमरर है, शस्त्र अस्त्र बनाते हैं, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। दूर दूर से आए हैं हमारे भाई, भोला लुहार राजस्थान से आमंत्रित करना चाहूंगी। दौसा जिले से राजस्थान के भोला लुहार ये अमर टूल किट मेकर है। और आज के हमारे प्रातिनिधिक तौर पर उपस्थित आखिरी लाभार्थी परमार कमलेश भाई गुजरात से, महीसागर से, गुजरात राज्य में महीसागर जिले से परमार कमलेश भाई ताला बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानी सू पीएम विश्वकर्मा योजना रो एक बरस पूरा होबा माथे महाराष्ट्र रा वर्धा माए राष्ट्रीय कार्यक्रम राख्यो जा रियो है। यो लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम राजस्थान समेत दूजा राज्य माए भी आयोजित करिया जा रिया है। इन रीते जयपुर रा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर माए भी आयोजित इन कार्यक्रम माए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत कई लोग भाग ले रिया है। कार्यक्रम माए पीएम विश्वकर्मा योजना रा फायदा रा बारा मा जानकारी दी जा रही है। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े आज बांसवाड़ा जिला रा दौरा माथे। राज्यपाल अठे गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय रा कौटल्य शोध भवन और स्वामी विवेकानंद छात्र कल्याण भवन रो शिलान्यास करिया। इंद्रे पाछे वना अठे भविष्य का भारत और हमारा योगदान विषय माथे राखी जी संगोष्ठी माए भाग लिया। राज्यपाल अठे 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय महोत्सव रो भी उद्घाटन करेला। इनसू पहलिया वना जिला स्तरीय अधिकारियों री बैठक लिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहा के राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन खातर कृत संकल्पित होर काम कर रही है। मुख्यमंत्री काल चित्तौड़गढ़ रा नर्मदिया माए अनगढ़ बावजी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान रे तेत राखी जिया वृक्षारोपण कार्यक्रम ने संबोधित करिया। इन मौके वना कया के सरकार हरियाणा राजस्थान अभियान रीते प्रदेश भर माए 7 करोड़ सू ज्यादा पेड़ लगाया है। साथ ही 5 साल माए 50 करोड़ सू ज्यादा पौधा लगाबा रो लक्ष्य राख्यो गयो है। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री रे साथे 1000 जोड़ा पौधा रोपण करिया। रिश्तेदारी में जाते हैं तो क्या पूछते हैं? यही तो पूछते हैं कि आपके यहाँ फसल कैसी है, पूछते हैं कि नहीं पूछते?
और दूसरी बात क्या पूछते हैं कि आपके घर में दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही पूछते हैं ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, फसल भी अच्छी है, फसल भी अच्छी है, और गोपालक जो कार्ड हमने आपको 1 लाख रुपए का दिया है वो इसलिए दिया है, अगर किसी के घर में गाय भैंस अगर दूध नहीं दे रही है तो वो गोपालक कार्ड से बैंक से ला करके गाय ला सकते हैं, बच्चों को दूध पिला सकते हैं। इसलिए हमने गोपालक कार्ड देने का, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, इसी तरह से गोपालक कार्ड देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रे तेत काल कतर री राजधानी दोहा में इन्वेस्टर रोड शो राख्यो गयो। इन माय राज्यरा उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ री अगुवाई माय एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भाग लियो। इन दौरान प्रतिनिधि मंडल कतर सरकार रा अधिकारियां सु मुलाकात करी और वठेरा निवेशका ने राजस्थान माय होवाड़ा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट माय शामिल होबा खातर आमंत्रित करिया। रोड शो में कर्नल राठौड़ कहा कि राजस्थान आपरी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संस्थान सु व्यापार खातर सबसे अनुकूल राज्य है। राइजिंग राजस्थान के विषय से यहां पर आए, उनका स्वागत करा। जिस तरह से सुबह से हमारे एम्बेसडर साहब मेरे साथ लगातार किस तरह से हम राजस्थान को प्रेजेंट कर सकें, किस तरह से हम दोहा की कतर की सरकार यहाँ के बिजनेसमैन को कन्विंस कर सकें, उसमें मेरी मदद कर रहे थे। जिस तरह से एम्बेसी की पूरी टीम सुबह से लगी हुई थी, जिस तरह से राजस्थान के नॉन रेजिडेंट राजस्थानी और हमारे बाकी सभी हिंदुस्तान के हमारे सभी साथी सुबह से मेरा साथ दे रहे थे, इट इज एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग लव एंड अफेक्शन दैट यू डिस्प्लेड टुडे। उसके लिए मैं आपको कितना धन्यवाद दूं मैं कह नहीं सकता, बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ कहा कि कई देशा माए वन नेशन वन इलेक्शन री व्यवस्था है, बार बार चुनाव होबा सु आचार संहिता लग जावे है, जिन सु जनता रा कई काम रुक जावे है। वना कहा कि रामनाथ कोविंद समिति री रिपोर्ट ने केंद्रीय कैबिनेट अनुमति दी है। अपने पूर्व राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी के नेतृत्व में और एक समिति बनाई, उस समिति को ये पूरी समीक्षा करके कई क्षेत्रों में राज्यों से भी जनता से भी फीडबैक लेके और जहाँ जहाँ ये वन नेशन वन इलेक्शन का जहाँ है उसके प्रावधानों को ध्यान में रख करके एक निर्णय करने के लिए समय दिया था। उस समिति ने रिपोर्ट अपनी दे दी और उस पर विवेचन करने के बाद में हमारे नेतृत्व ने और कैबिनेट में रखा और देश की कैबिनेट ने भी इसको सहमति दे दी है। तो अब इसकी प्रक्रिया बनेगी, कैसे संभव है, उसमें दिया हुआ होगा, प्रावधान दिया हुआ है कि किस प्रकार से एक देश में एक समय में निर्धारित समय सीमा में चुनाव हो जाए और उसके तुरंत बाद में और कुछ समय पश्चात ही निकायों के चुनाव हो जाए, चाहे वो पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या म्यूनिसिपलिटी हो, इनके भी चुनाव हो जाए, तो फिर लगभग 4.5 वर्ष तक विकास के लिए समय मिलता है। नहीं तो अपन देखते हैं कि बार बार आचार संहिता का जो एक प्रावधान हो जाता है, मैं इसको बहाना शब्द नहीं कहूँगा जी, लेकिन इस आधार पर विकास रुक जाता है। टोंकरा कोतवाली थाना में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ देश री छवि खराब कर बारो मामलो दर्ज करियो गयो है। भाजपा जिला अध्यक्ष री मौजूदगी माए जिला महामंत्री दीपक संगत थाना माए परिवाद दियो है। इन माए वना राहुल गांधी माथे देश री छवि खराब करबा, प्रधानमंत्री रे खिलाफ अमर्यादित भाषा रो इस्तेमाल करबा और अनुसूचित जाति और सिखा रे खिलाफ गलत शब्दारो प्रयोग कर बारा आरोप लगायो है। परिवादी है, उन्होंने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को हमने
पंजीकृत कर रहे हैं, अभी उनको कंप्यूटराइज कॉपी दे देंगे, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस पर जो उचित जो है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में आरोप है, कोई अंतर्गत जो बातें कही जा रही है उस संबंध में है, वो उसकी सारी चीजें देख करके जो भी सही होगा वो किया जाएगा। कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता माननीय राहुल जी गांधी जी ने जिस तरह का अमेरिका में जाकर टिप्पणी करी है, भारत की छवि खराब करने की बात करी है, आरक्षण समाप्त करने की बात करी है, दलित वंचित लोगों के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने टिप्पणी करी है, सिखों की पगड़ी और कड़े को लेकर जिस तरह की टिप्पणी करी है, ऐसा लगता है कि वो विदेश में जाकर भारत की छवि को जिस तरह का उछालने का काम कर रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को 110 बार से भी ज़्यादा बार गाली बक चुके हैं, उनको देशद्रोही कहने का काम उनने करा है, मौत का सौदागर जैसे शब्दों का उनके खिलाफ कहा गया है। और ये जब भी कभी किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वो भारत के खिलाफ बोलने का उनका एक शौक लग गया है, जिस तरह का वातावरण उनको लगा, मुझे लगता है नासमझी भी है, उनको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। 140 करोड़ की जनता को आहत करने वाले शब्दों का वह चयन करते हैं, और दलित समाज का जिस तरह का आरक्षण समाप्त करने का, अपमान करने का जो विषय करा है, उसको कभी ये माफ नहीं करेगा। दलित समाज के पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर आकर उनके खिलाफ FIR लॉज भी कराई है, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी को समझना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं इस भारत का मान बढ़ाएं, भारत का मान न गिराएं। टोंकरा कोतवाली थाना में 3 तलाक रो मामलो सामे आयो है। पीड़िता आपरा पति और ससुराल आला माथे मारपीट और प्रताड़ित करबारो आरोप लगायो है। पुलिस बताया कि पीड़िता आपरी रिपोर्ट में बताया कि उनरी शादी लाड़ले बरस 10 जून ने टोंक निवासी केसर मियारे साथे हुई हो। इनरे पाछे वनारो पति और ससुराल पक्षरा लोग उनने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करे। पुलिस मामलो दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3 तलाक के संबंध में तो वो रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, वो दर्ज करके उसका मेडिकल करवाया, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो तो अनुसंधान में पता चलेगा, बाकी जो नया कानून बना हुआ है उसके तहत मुकदमा दर्ज करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। 21 साल हो गए फुरकान मियाँ से हुई थी शादी, और ये परेशान करते, सास ननदें परेशान करती थी, कभी पानी नहीं भरने दे रही, कभी खाना नहीं दे रही, कभी किचन में ताला लगा रही हैं, कभी दरवाजों में कुंडी लगा रही कि बाहर नहीं जाए, और मैं जब उन लोग से बोलती, कुछ बोलती, शिकायतें करती, तो वो लोग है ना मियाँ से कहते, तो मियाँ से कह के पिटवाते थे मुझे। मियाँ कहते थे मैंने तेरा नहीं सुना, जो मैंने देखा वो सुना है, वो लोग रिकॉर्ड कर लेते थे। प्रदेश में चालिया जा रहा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रे तेज स्वास्थ्य और खाद्य विभाग री टीम जयपुर में कार्रवाई करी। इन दौरान शहर रा मोती सिंह भोमियारा रास्ता और जौहरी बाजार में नमकीन भंडार माथे खराब तेल सू बनाई जा रही नमकीन रा सैंपल लेर जांच खातर प्रयोगशाला माए भेजिया। प्रदेश में कई जगह माथे हल्की बारिश रो दौर बनियोड़ो है। लाडला 24 घंटा माए जयपुर, पिलानी, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर और करौली माए हल्की बारिश दर्ज करेगी। मौसम विभाग ने मुजब आज जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर माए बारिश हो बारी संभावना है। अठे ने मौसम बदलवा सू कई जिला माए रात रात तापमान माए गिरावट आबा सू हल्की ठंडक रो एहसास होबा लाग्यो है। अब खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र वार्धा में पीएम विश्वकर्मा योजना रो एक बरस होबा रा उपलक्ष्य में राख्यो जा रिया राष्ट्रीय कार्यक्रम में हो रिया शामिल। लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम राजस्थान समेत दूजा राज्य में भी करियो जा रियो है आयोजित। राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़े बांसवाड़ा राव गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में कौटल्या शोध भवन और स्वामी विवेकानंद छात्र कल्याण भवन रो करिया शिलान्यास। 5 दिन रा राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव रो भी करेला उद्घाटन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ रा नर्मदिया में एक पेड़ मां के नाम अभियान रे तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम ने करिया संबोधित। क्या राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण खातर है कट संकल्पित। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रे तहत कतर री राजधानी दोहा में इन्वेस्टर रोड शो रो करियो गयो आयोजन। निवेशका ने राजस्थान में उद्योग लागाबक खातर करिया गया आमंत्रित।
और प्रदेश में हुई बारिश रे पाछे कई जिला में रात रात तापमान में आई गिरावट, हल्की ठंडक रहो होबा लाग्यो एहसास। आज जयपुर और कोटा समेत दूजा जिला में बारिश री संभावना। आ बुलेटिन में यात्रो ये थे, देखते रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।